जय श्री राम सभी को। सनातन धर्म में भगवान राम आदर्श पुरुष हैं। श्री राम की पूजा का बहुत महत्व है और उससे भी अधिक महत्व है उनके नाम के जपने का। शास्त्रों में हमेशा से कहा गया है कि राम से भी बढ़कर राम का नाम है। भगवान राम के जन्म से पूर्व इस नाम का उपयोग ईश्वर के लिए होता था, अर्थात ब्रह्मा, परमेश्वर, ईश्वर आदि की जगह पहले राम शब्द का उपयोग होता था। इसीलिए इस शब्द की महिमा बढ़ जाती है, तभी तो कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। शास्त्रों के अनुसार बलशालियों में सर्वाधिक बलशाली राम है, लेकिन राम से भी बढ़कर राम का नाम है। असंख्य संत महात्माओं ने राम का नाम जपते जपते मोक्ष पा लिया। राम भक्त हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव से लेकर कबीर, तुलसी और गांधी जी तक सभी राम का ही नाम जपते रहे हैं। यही नहीं, रावण ने भी अंतिम समय में राम का नाम ही पुकारा। राम नाम के प्रभाव से तो पानी में भी पत्थर तैरने लग जाते हैं। और राम नाम का क्या, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने तो राम नाम की जगह उल्टा नाम लिया, मरा मरा, तब भी वह जपकर पवित्र हो गए। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनका नाम जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान वह उसको स्वयं मिलने उसकी कुटिया पहुँचे। राम नाम का इन दो अक्षर में ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप लोगों को भव सागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का कहीं जगह वर्णन किया है, जैसे कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। अर्थात राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है और मन को परम शांति मिलती है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम राम नाम से भी बड़ा है। राम नाम जपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया। राम एक ऐसा महामंत्र है जिसे सिर्फ हनुमान जी ही नहीं बल्कि भगवान शिव भी जपते हैं। राम से पहले भी राम का नाम था, प्राचीन काल में भी राम ईश्वर के लिए संबोधित होता था। राम या मार, राम का उल्टा होता है मार। मार बौद्ध धर्म का शब्द है जिसका अर्थ है इंद्रियों के सुख में ही रत रहने वाला और आंधी या तूफान। राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधिया। राम नाम कहने का अर्थ, अगर राम का नाम एक बार कहें तो वह संबोधन हुआ, जैसे कि राजस्थान में कहते हैं राम सा, कोई दुख हो तो भी हमारे मुँह से ही निकलता है हे राम। जब राम का नाम दो बार लिया जाए तो वह अभिवादन होता है। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तो कहते ही हैं राम राम, कभी कहीं कोई संवेदना होती है तो तीन बार राम कह देते हैं, जैसे बोलते हैं कि ये क्या हो गया राम राम राम। और जब राम का नाम चार बार ले लिया तो वह तो भजन ही हो गया, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय राजा राम। आरनहार राम का नाम, राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए हैं, जैसे कबीरदास जी, तुलसीदास, रामानंद, नाभादास, स्वामी अग्रदास, रामचंद्र चौहान, केशवदास, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मूलक दास, समर्थ रामदास आदि। श्री राम करते करते ना जाने कितने साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए। और रामायण के समय में पानी में पत्थर जो तैरे वो भी सब राम नाम का ही प्रताप था। जीवन रक्षक नाम, प्रभु श्री राम के नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे चित्त में एक विशेष लय आने लगती है। जो व्यक्ति लगातार राम नाम जप करता है उसके रोम रोम में प्रभु बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल भी बनना तय है जो कि प्रभु के नाम का जबरदस्त असर करता है। और अंत में श्री रामायण जी की एक ये चौपाई, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहियाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहिं न गाए। अर्थात हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग अनेक प्रकार से उनकी कथा कहते हैं, सुनते हैं, पर कोई भी उसका पार नहीं पा सकता। उनका चरित्र ही ऐसा है जो करोड़ों कल्पों में भी गाया नहीं जा सकता। आशा है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।